हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको दोस्त द स्लेयर। सो गाइस मैं आया हूँ हीरो के शोरूम में और यहाँ पे हीरो की दो एक्सट्रीम यहाँ पे खड़ी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 160R है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही मोस्ट डिमांडेबल बाइक है 125R। जैसे कि आप कलर देख सकते हैं यहाँ पे भी ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन एंड यहाँ पे सिल्वर एंड रेड का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। और ये अभी जस्ट 2024 अपडेटेड वर्जन में आपको देखने को मिल रही होगी 160R, जो कि सिंगल सीट आपको देखने को मिलेगी और यहाँ इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो 160R है तो ये अपडेटेड वर्जन है और ये मोस्ट डिमांडेबल बाइक है। तो इन दोनों के चीज़ों में डिफरेंस मैं बताऊंगा, प्राइस में कितना डिफरेंस है और इसके मैं बताऊंगा कि स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है और कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए अभी 2024 में अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे 160R को, तो यहाँ पे काफ़ी बल्कियर साइड में दिखी गई है और पुराने वाले से काफ़ी आपको चेंजेस देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। काफ़ी बल्कियर साइड में और सामने से बहुत ही ज़्यादा चेंज है और स्टेल्थ एडिशन आपको देखने को मिल रहा होगा और ये 4 वॉल्व पे भी आपको देखने को मिल रही होगी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये USD जो सस्पेंशन यहाँ पे दिए गए हुए हैं आपको, काफ़ी गोल्ड कलर के जो दिए गए हैं काफ़ी अच्छे दे रहे हैं और इससे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है ब्लैक के साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड और सिल्वर कलर का 125R का जो आपको कलर देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पे इन्होंने 125 CC में इतनी अच्छी स्पोर्ट्स बाइक जो दी है ना गाइस, काफ़ी अच्छी है यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। और कर्व एंड एजी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो यहाँ पे पार्ट है काफ़ी अच्छी तरीके से निकला हुआ और कलर भी अच्छा है। और सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ तो सामने आपको ऑल LED सेटअप आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे DRLs आपको देखने को मिल जाएगी, हाई बीम लो बीम देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मिनी डुकाटी बोलते हैं इसको, जिस तरीके से बनाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं DRLs देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लैंप देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, डुअल वाले वो भी देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हीरो की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी दोनों तरफ। ये काफ़ी बड़े साइज में है इसका हेड और उससे बड़ा तो आपको 125R का देखने को यहाँ पे मिल जाएगा और नंबर प्लेट सेम ही जगह में मिलेगी। और यहाँ देख सकते हैं USD सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा गोल्डन कलर का, KYB का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गोल्डन सस्पेंशन। और यहाँ पे आपको नॉर्मल वही सस्पेंशन देखने को मिलेगा जो कि टेलीस्कोपिक देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और 160R के टायर प्रोफाइल पे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्राफिक देखने को मिल जाती है और वहीं पे आपको कोई भी व्हील पे ग्राफिक देखने को नहीं मिलेगी। 17 इंच का व्हील यहाँ पे मिलता है, साइड बाय साइड आपको वहाँ पे भी 17 इंच का व्हील देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर टायर की बात करें तो टायर आपको ट्यूबलेस देखने को मिलता है, वहाँ पे भी आपको सेम ट्यूबलेस देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर इसके सेक्शन की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको 90 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम डिस्क की बात कर ले तो डिस्क आपको यहाँ पे देख सकते हैं हबलेस विद आपको पेटल डिस्क देखने को मिल जाता है और 276 mm का डिस्क देखने को मिल जाता है। साइड बाय साइड अगर हम यहीं पे 125R पे आए तो यहाँ पे आपको 276 का आपको डिस्क देखने को मिल जाता है और ये हब वाला डिस्क देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको ABS की फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस वाले वेरियंट में 160R में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं ब्रेक के पास आऊँ तो ब्रेक में कोई भी आपको ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलेगी, बट ब्रेकिंग बाइट भी इसकी अच्छी होगी और वहाँ पे आपको ब्रैडबरी का ब्रेक देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे बना हुआ है जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जस्ट इसके अगर मैं साइड में आऊँ, साइड में आने पे यहाँ पे इंजन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन काफ़ी अच्छा और 2 कलर में आपको दिया गया होगा। हेड आप देख सकते हैं वहाँ पे गोल्डन कलर का हेड देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको H का सिंबल देखने को मिलता है। और यही साइड बाय साइड अगर आया तो यहाँ पे आपको कोई भी कलर कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता, बस सिल्वर एंड ब्लैक देखने को मिल जाता है। और 160R के अगर इंजन की बात बताऊँ तो यहाँ पे आपको 163 CC का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। और इंजन की बात करूँ तो 4 स्ट्रोक 2 वाल्व एयर ऑयल कूल्ड FI इंजन देखने को मिलता है विद OHC आपको इंजन देखने को मिल जाता है। और पावर की बात करूं तो इसमें आपको 15.2 के अप्रॉक्स पावर देखने को मिल जाएगी। और यही अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो इसमें आपको 14 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। और यही साइड बाय साइड अगर मैं एक्सट्रीम 125R पे आऊं तो यहां पे आपको 124 CC का आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। और इंजन की बात करूँ तो इसमें आपको 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड आपको इंजन देखने को मिल जाएगा। और पावर की बात करूँ तो इसमें आपको 11.5 की पावर देखने को मिलेगी। और यही मैं टॉर्क की बात करूँ तो इसमें आपको 10.5 का Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। और यही इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है
पावर में भी और बहुत सारी चीज़ों में आपको डिफरेंट मिल जाएगा, बिकॉज इन दोनों में आपको प्राइस का भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और यही अगर थोड़ा सा नीचे तरफ आओ तो यहाँ देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से फुटपैक देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ब्रेक देखने को मिल जाती है, और सेम थोड़ा सा आपको फुटपैक थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिलेगा इसमें, और जो यहाँ पे ब्रेक है थोड़ा सा इसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको जैसे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा मफलर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि एग्जॉस्ट का जो चीज़ है, और यही सेम टू सेम आपको छोटा सा आपको प्यारा सा एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा, बट इसमें भी आपको डुअल टोन देखने को मिल जाएगा सिल्वर एंड ब्लैक, और इसमें भी आपको डुअल टोन देखने को मिल जाएगा। ये आई थिंक ये मट ब्लैक और सिल्वर में थोड़ा सा मिक्स है, ये आपको ब्लैक देखने को मिल जाएगा। और यही अगर मैं बीच में आता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मोनोशॉक सस्पेंशन, काफ़ी रेड कलर का, काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको एडजस्ट भी हो जाएगा साइड बाय साइड। यहीं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है वाइट कलर का, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। और यही अगर मैं आऊँ बैक साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं डुअल चैनल ABS बताया था, ABS आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको डिस्क प्रोवाइड की गई है, वहाँ पे आपको डिस्क नहीं मिलती है। और डिस्क का अगर साइज़ बताओ 220 mm का डिस्क मिलेगा पेटल डिस्क है, यहाँ पे ड्रम है 130 mm का आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। और यही अगर मैं आपके व्हील में, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ग्राफिक है, कोई भी ग्राफिक आपको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे अगर मैं इसके टायर प्रोफाइल के बारे में बताऊँ तो 130 सेक्शन का आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिलेगा, यही साइड बाय साइड अगर मैं आऊँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 120 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिल जाता है। पीछे से देख सकते हैं काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी आपको वाइट देखने को मिल जाएगा, वो थोड़ा सा आपको स्लीक देखने को मिल जाएगा, बट डिफरेंस भी देखिए ये 160 है एंड ये 125R है। और यहाँ पे बॉक्स वाला फ्रेम देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ब्रेक सेम आई डोंट नो ये कौन से कंपनी का है, बट साइड में आते हैं यहाँ पे आपको सारी गार्ड देखने को मिल जाती है जो इंडियन नॉर्म्स में, इसमें भी आपको सारी गार्ड थोड़ा दूसरी तरीके से देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ये कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से दूसरी तरीके के दिया गया हुआ। यहाँ पे आपको मड फ्लैप देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको मड फ्लैप देखने को नहीं मिलता है, और इसमें आपको इनबिल्ट वाला मड फ्लैप देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मड फ्लैप नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको टेल टाइडी देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी टेल टाइडी, इससे तो बेहतरीन टेल टाइडी मुझे लग रही है। और यहाँ पे आपका इंडिकेटर बताना भूल गया था, इंडिकेटर आपको LED वाले देखने को मिल जाते हैं, बोथ आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लाइट LED टेल लाइट देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे शेप में बनाया गया है एच शेप में, एंड यहाँ पे भी आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाएगी, यहाँ थोड़ा छोटा सा है बट इसमें भी एच शेप बन के आ जाता है। और यहाँ देख सकते हैं ग्रैब रेल की बात करूँ तो ग्रैब रेल भी स्प्लिट वाला देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा आपको स्लीप देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा आपको हैवी देखने को मिलेगा। और अब हम आते हैं इसके सीट पे, तो सीट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगी 160R में, और काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी, और कंफर्टेबल भी काफ़ी है यहाँ पे, और जो राइडर सीट है उसके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और जगह भी काफ़ी है, एंड पिलियन सीट के लिए भी काफ़ी है। और इसमें ना इसमें काफ़ी मतलब लेडीज़ बैठने में दिक्कत नहीं आएगी लेडीज़ों को, और यहाँ पे देख सकते हैं 160R का ग्राफिक देखने को मिल जाता है, और साइड बाय साइड यही 125R में है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लिट सीट दी गई हुई है, ये काफ़ी ऊंची है, भले ही वाइड दी गई हो पिलियन बट काफ़ी ऊंची है, काफ़ी दिक्कत आती है लोगों को बैठने में। और यहीं पर आपको जो राइडर सीट है, राइडर सीट भी आपको काफ़ी वाइड देखने को यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड कर्व एंड एजी काफ़ी अच्छी है। और थोड़ा सा इस पर अगर नीचे की तरफ आ जाएँ हम, यहाँ पर पहले 125R पे आते हैं, यहाँ पर जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो चेन कवर देखने को मिल जाता है, काफ़ी यूनिक कलर, यूनिक तरीके के देखने को मिल जाता है, काफ़ी जैसे देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और यहीं आपको नॉर्मल सा छोटा सा आपको चेन कवर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे साइड पे आते हैं, यहाँ पे 5-speed मैनुअल बॉक्स देखने को मिलता है, और जो साइड स्टैंड है इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिलता है, सेंटर स्टैंड देखने को मिलता है, यही सेम टू सेम आपको यहाँ पे 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, सेंटर स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ बताना भूल गया गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको किक देखने को मिल जाएगी बट यहाँ पे आपको किक देखने को नहीं मिलेगी। तो 125R में ये चीज़ अच्छी है कि इसमें किक दी गई हुई है, 160 में नहीं दी गई है, बिकॉज ये स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है एंड दिस इज़ ओनली अ स्पोर्ट्स बाइक, तो इसलिए इसमें किक दी गई है, इसलिए इसमें किक नहीं दी गई है। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स बताऊँ 160R में, इसमें आपको दिया गया हुआ है पैनिक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें आपके इंडिकेटर ऑटोमेटिक जलने लगेंगे, अगर आपने पैनिक ब्रेकिंग किया तो इसमें क्या है, जो इंडिकेटर है आपके ऑटोमेटिक चारों जलने लगेंगे, ये चीज़ सेफ्टी फीचर्स में दी गई है, काफ़ी अच्छी है, ये चीज़ इसमें नहीं है बट इसमें इनबिल्ट
करी गई हुई है। और अगर इसके टैंक पे आ जाए, पहले सबसे पहले टैंक पे आते हैं 125 R पे, काफ़ी मैसिव सा टैंक इसमें भी दिया गया हुआ है, काफ़ी बीफी बीफी देखने को मिलता है एंड कर्व एनर्जी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है एंड एक्सट्रीम की बैजिंग आपको देख यहाँ पे मिल जाएगी, ये आपको 3D में एलुमिनेट होती दिख जाएगी और सेम टू सेम आपको वहाँ पे भी एक्सट्रीम का 3D में ही एलुमिनेट हो जाएगा। E20 को सपोर्ट करता है, वो भी E20 को सपोर्ट करती है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 10 लीटर की आपको टंकी देखने को मिल जाएगी, यहाँ आपको 12 लीटर की टंकी देखने को मिल जाएगी। और ग्राफिक देख सकते हैं काफ़ी अच्छे भर भर के ग्राफिक इसमें दिया गया हुआ है और ये तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव देखने को मिलती है और जब आप इसका ग्रिप करेंगे लेग से तो काफ़ी अच्छी दिखने वाली है गाइज, और डुअल टोन में है, बहुत प्यारी लग रही है और दोनों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी और सारी चीज़ें आप उससे टॉगल कर सकते हैं। अगर एवरेज की बात करें तो यही अगर 125 R में देखें तो ये कंपनी क्लेम करती है 66 KMPL का एवरेज आपको निकाल के दे देगी, बट रियल लाइफ में भी निकाल के दे ही देती है लमसम आपको अप्रॉक्स। और अगर यही 160 R पे जाए तो कंपनी क्लेम करती है 50-55 आपको कंपनी क्लेम करती है कि आपको एवरेज दे देती है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, लुक लेना है कि एवरेज लेना है, तो ये आप खुद ब खुद चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेम टू सेम वही आपको स्क्रीन मिल गया है जो 125 R में जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता था, अभी तो इसमें बैटरी नहीं है बट आपने देखा ही होगा, और सेम टू सेम इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है जो 125 R में दी गई होती, पुराने वाले से चेंज कर दिया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको थोड़ा सा अच्छा दे दिया गया, तो डिजिटल मीटर आपको दे दिया गया हुआ है। मीटर में आपको सेम टू सेम वही सब मिलता है, अभी बैटरी नहीं है तो इस वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसमें आपको वही गियर शिफ्ट इंडिकेटर, RPM और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पूरा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा और इसमें आपको SMS अलर्ट, मैसेज अलर्ट सब आपको देखने को मिल जाएगा और क्लॉक, ट्रिप, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, इंडिकेटर, मेलफंक्शन, ऑयल लीकेज सब आपको देखने को मिल जाएगा। यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया हुआ है यहाँ पे एक्सट्रीम 160 में, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं हैंडल बार पे आऊँ, हैंडल बार आपको सेम देखने को मिल जाता है, स्ट्रेट बार देखने को मिल जाती है जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भी। और इसमें अगर बटन्स की बात करता हूँ तो बटन्स की क्वालिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई थी, कुछ कह रहा था खास नहीं है बटन्स की क्वालिटी, बट इसमें आपको पासिंग स्विच ऊपर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे लो बीम हाई बीम इंडिकेटर हॉर्न, यहाँ पे I3S का आपको सिस्टम देखने को मिल जाता है, बट ये आई थिंक I3S वाली है तो इसमें आपको ABS देखने को नहीं मिल रहा है, बट हम अगर टॉप वेरिएंट से बात करें तो इसमें ABS भी आपके लिए आती है। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट और इंजन कट ऑफ सेंसर का आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलता है, सेंसर नहीं बटन देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक हैजार्ड का भी बटन यहाँ पे मिलता है, बट ये आपका I3S मॉडल है मुझे पता नहीं था, बट हाँ ABS वाले में जाएंगे तो इसमें आपको हैजार्ड का बटन ज़रूर मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको पासिंग स्विच सेम टू सेम वही एकदम दिया गया हुआ है, क्वालिटी भी सेम आपको वही दी गई हुई है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो कम से कम क्वालिटी तो अच्छी कर ही देते। यहाँ पे भी हज़ार का बटन मिल जाता है, सेम टू सेम आपको वही इंजन का सिस्टम दे दिया गया हुआ है, किल स्विच एंड स्टार्ट, और सेम इसका उठा के इसमें डाल दिया गया हुआ है। और मिरर्स की बात बताएं तो मिरर्स में थोड़ा सा आपको हेर फेर देखने को मिलेगा, ये कट ऑफ इस ये कुछ इस प्रकार का है एंड ये कट ऑफ थोड़ा सा इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा, और मिरर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और अगर इसकी सीट हाइट बताऊं तो 125 का जो सीट हाइट है, इसकी सीट हाइट देखने को मिलेगी आपको 794 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिलेगी, और यही अगर 160 R पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 790 mm का सीट हाइट देखने को मिलेगी। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको 125 R में ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको 180 के करीब आपको mm देखने को मिल जाएगी ग्राउंड क्लियरेंस, और यही आपको 160 R में आपको देखने को मिलेगी, 167 के करीब आपको mm देखने को मिल जाएगी। और अगर इसकी वेट की बात करूं तो वेट आपको ये हल्का मिलेगा और वो थोड़ा सा भारी देखने को मिलेगा, ये 136 kg का है एंड 160 R आपको 126 kg देखने को मिलेगी, वो देखने से ही पता चल रहा है बिकॉज थोड़ा इंजन भी तो बढ़ गया है और काफ़ी बल्किनेस भी उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, इस वजह से यहाँ पे आपको ये हैवियर साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। और यही कुछ इन दोनों के बारे में आपको बताना था, सेम टू सेम तो नहीं है बट थोड़ा थोड़ा से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको कौन सी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर इसके प्राइसिंग की बात करूँ लखनऊ में तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 160 R की, इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी 1.40 lakh के
अप्रॉक्स आपको एक शोरूम देखने को मिलेगी, और यही अगर 125R पे जाएंगे तो इसका टॉप वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 1.17 लाख के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये लखनऊ का प्राइस है गाइस, तो आपके अपने सिटी में आप जाके देख सकते हैं कि उसमें 1000 टू 2000 आपको प्राइस वेरी हो सकती है, और इसमें भी आपको सब कुछ मिलता है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है इंजन कॉल, सेम आपको इंजन कॉल मिलेगा। बता, इसमें आपको ख़रीदना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आपको एक्स्ट्रा ख़रीदनी पड़ती हैं, बट उसमें आपको इनबिल्ट होके मिलती है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें सबसे लास्ट में, तो बिल्ड क्वालिटी आपको अगर बात करूँ तो अभी तो फ़िलहाल ये ठीक आई हुई है, बट पहले इतनी खास थी नहीं। तो यहाँ पे भी आपको बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ये दोनों ठीक है, एंड प्राइस के हिसाब से भी आपको ठीक देखने को मिलती है, और रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो इसका आप दोनों को प्राइस बता दिया, और ये आपके ऊपर है गाइस कि आपको कौन सी पसंद आती है इन दोनों में से। और प्राइसिंग भी एक मैटर करता है, जो आपके बजट में बैठ रही हो तो आप उसको बाय कर सकते हैं। सो यही कुछ मेरा इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन बताना था, जो कि अभी करंट फेवरेट बाइक है काफ़ी यूथ्स की। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा गाइज़।